आपका सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आपका है कॉमर्स। एलेवेंथ में यदि आप कॉमर्स लिए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि यदि हम कॉमर्स लिए हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के आधार पे आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कॉमर्स में आप लोग का सब्जेक्ट है, तो जब आप कॉमर्स लिए हैं तो सबसे बड़ा पहला प्रश्न होता है कि ये कॉमर्स होता क्या है सर, जिसको हम कहते हैं वाणिज्य। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि सर ये कॉमर्स होता क्या है। गुड, तो कॉमर्स वर्ड जो है जिसको हिंदी में हम वाणिज्य कहते हैं, इस वाणिज्य का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस सेक्टर में, चाहे वो कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस वर्ड यूज़ करते हैं वो रिलेटेड होता है कॉमर्स रिलेटेड। मतलब कॉमर्स एक प्रकार का बिजनेस है, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, यह एक बिजनेस है। और बिजनेस में जो भी वर्क होता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है या बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, उस लेन देन को स्पष्ट करने का काम करता है हमारा कॉमर्स। क्या करता है सर? कॉमर्स मतलब कॉमर्स बेसिकली आपको ये बताएगा कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी घटना घट रहा है, उस घटना को हम कैसे शो करें। तो एक लाइन जान लीजिए कि कॉमर्स वर्ड इज़ अ रिलेटेड ट्रेड एंड बिजनेस, यह एक बिजनेस और ट्रेड है। गुड, अब हमारा प्रश्न उठता है सर जब कॉमर्स है तो कॉमर्स में हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। तो कॉमर्स में सबसे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो आपका एक तो फिक्स है, आपका सब्जेक्ट जो है वो तो अकाउंटेंसी रहेगा ही, पहला पेपर कंपलसरी। सेकंड आपका रहेगा बिजनेस स्टडी, थर्ड आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, फोर्थ रहेगा मैथ जिसको हम कॉमर्स मैथमेटिक्स कहते हैं, सीए कहते हैं। आपका पेपर हो सकता है, बहुत लोग सीए की जगह ईटीपी लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। गुड, और एक आपका पेपर रहेगा हिंदी या इंग्लिश जिसको आप लें इंग्लिश। तो ये बेसिकली आपका 11th और 12th का सब्जेक्ट होगा। इसी सब्जेक्ट को लेकर आप आगे कोर्सेज को तैयारी करेंगे जो आपका 11th और 12th दोनों में होगा। अब जब आप सब्जेक्ट लेते हैं, जब आप सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि भाई इस सब्जेक्ट को हम लिए हैं तो फ्यूचर में इस सब्जेक्ट को लेने के पश्चात, मतलब कॉमर्स लाइन को लेने पश्चात हम क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स जो आपका सेक्टर है उस सेक्टर के तहत आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि या तो बी कॉम या तो बी बी ए कर सकते हैं। बी कॉम हो गया आपका ग्रेजुएशन और बी बी ए हो गया बैचलर डिग्री। या तो सी एस कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो सी एस कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, या तो आप सी एम ए कर सकते हैं, सी एफ पी कर सकते हैं, आई एस की तैयारी कर सकते हैं, या बी ए या एल एल बी कर सकते हैं। मतलब आपका सेक्टर, आपका जो सेक्टर है चाहे तो खुला रहेगा, बस डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सा सेक्टर भी है, जैसे इसके तहत आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, कैपिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, टैक्सेशन कार्य कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सी एस कर सकते हैं, कॉस्ट वर्क अकाउंट कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट कर सकते हैं, एक्यूरीज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट फाइनेंस प्लान कर। मतलब आपको इस सब्जेक्ट के तहत डिफरेंट वे मिलेगा, आप उस वे को लेकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि जिस सब्जेक्ट को हम ले रहे हैं उसका कैरियर क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। गुड, अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है जो बताने वाले हैं कि यदि आप कॉमर्स लिए हैं, तो यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जिस सब्जेक्ट को हम लिए हैं कॉमर्स,
उस कॉमर्स के तहत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे बता चुके हैं इसके तहत अकाउंटेंसी, कॉमर्स के तहत सबसे मेन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका अकाउंटेंसी, जिसका यूज़ हम बिजनेस के प्रत्येक सेक्टर में करते हैं। बिजनेस का जितना भी सेक्टर होता है, बिजनेस का जितना भी हमारा सेक्टर होता है, प्रत्येक सेक्टर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गुड। तो अकाउंटेंसी जो होता है हमारा, ये अकाउंटेंसी होता है क्या? अकाउंटेंसी होता है कि अकाउंटेंसी का यूज़ हम जब बिजनेस में करते हैं, तो बिजनेस के तहत हमारा सबसे मेन वर्क जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिना ट्रांजैक्शन का हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। गुड। इस ट्रांजैक्शन को जानने से पहले ये जानिए कि जो हम अकाउंटेंसी वर्ड पढ़ रहे हैं, गुड, ये अकाउंटेंसी वर्ड कहाँ से आया? इस शब्द को लाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था लुकास पेशवली। लुकास पेशवली, इन्होंने 1494 ईस्वी में, एक कंट्री है जिसका नाम है इटली, और उस इटली में एक शहर है वेनिस नगर, इस नगर में या इस कंट्री में इन्होंने इस शब्द का एस्टेब्लिशमेंट किया। किसका? अकाउंटेंसी का। इन्होंने साफ साफ शब्द में कहा कि आपका बिजनेस सेक्टर, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उस बिजनेस को प्रॉफिट तभी होगा, उस प्रॉफिट बिजनेस को ग्रोथ तभी होगा जब उस बिजनेस में एक प्रोसेस वाइज सिस्टम यूज़ करते हैं। और उस सिस्टम में सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? अकाउंटेंसी। मतलब उस बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटेंसी के तहत जो भी रूल एंड कंडीशन है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, आपके बिजनेस में क्या घटना हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो आपको स्पष्ट पता नहीं चलेगा। तो अकाउंटेंसी जो वर्ड है, जैसे कि हम बता रहे थे अभी जस्ट आपको, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी तो ये अकाउंटेंसी जो होता है एक वर्क होता है, एक प्रकार का स्किल होता है जो हर अकाउंटेंट को नॉलेज होता है कि कैसे हम उसको प्रोसेस करें, अकाउंटेंट को कि किस प्रोसेस से हम अकाउंटेंसी करें। गुड। तो जब अकाउंटेंसी के तहत कोई अकाउंटेंट वर्क करता है, तो सब जानते हैं कि अकाउंटेंसी का यूज जो होता है वो एक बिजनेस सेक्टर में होता है, बिजनेस सेक्टर में होता है। और जिस बिजनेस सेक्टर में इसका यूज होता है, उस बिजनेस में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग जानते हैं सर। ट्रांजैक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं सर? लेन देन। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बेसिकली इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा रिसीवर और एक होता है हमारा गिवर। क्या होता है सर? एक होता है रिसीवर, एक होता है हमारा गिवर। तो ये एक कॉमन वर्ड हो गया जो हम लोग सब जानते हैं कि एक होता है लेनदार और एक होता है देनदार। लेकिन बेसिकली हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है और कॉमर्स में हमारा अकाउंटेंसी है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट कहते हैं, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, और जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट होता है इसको हम DR कहते हैं, और जो क्रेडिट होता है इसको हम क्या कहते हैं? CR कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम दो कंडीशन से पुट आउट करते हैं, एक रिसीवर और एक गिवर। रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, और गिवर क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। जो डेबिट होता है उसको हम एसेट्स भी कहते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको हम लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। अब एसेट जो होता है जिसको हम संपत्ति कहते हैं, और लायबिलिटीज जो होता है जिसको हम दायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। तो जो भी एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब होता है कि जिस पे एक ऑनर का अधिकार होता है, जिस पे मालिक का अधिकार होता है, या जिसका यूटिलाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं।
लंबे समय के लिए करते हैं वो बेसिकली आपका एसेट होता है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, फर्नीचर, एक्सेट्रा बहुत से आइटम्स होते हैं। और लायबिलिटीज होता है कि जिस पे ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, जिस पे ऑनर का अधिकार नहीं होता है, वो आपके लिए लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर वो आपके लिए लायबिलिटीज होता है। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज होता है हमारा, जिसमें एक होता है हमारा एसेट्स। एसेट्स बेसिकली जो होता है ये 5 टाइप्स का होता है। एसेट जो होता है ये 5 होता है। पहला होता है फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स, तीसरा होता है हमारा वेस्टिंग एसेट्स, चौथा होता है हमारा ट्रांजिबल एसेट्स, और पांचवा होता है इंट्रांजिबल। तो फिक्स जो होता है करंट होता है, वेस्टिंग होता है, ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल। ये फिक्स क्या होता है, मोर देन यूटिलाइज्ड वन ईयर। कहने का मतलब है कि किसी भी एसेट का यूज़ आप 1 साल से अधिक करते हैं तो आपके लिए वो फिक्स एसेट होता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, फर्नीचर एट्सेट्रा, मतलब जिसका यूज़ आप 1 साल से अधिक करते हैं वो आपके लिए फिक्स एसेट होता है। करंट एसेट होता है यूज टू वन ईयर। यदि किसी एसेट्स को आप 1 साल यूज करते हैं तो आपके लिए होता है वो करंट एसेट्स, जिसमें कैश, स्टॉक, बैंक, डिटर, बीआर एट्सेट्रा। वेस्टिंग होता है कि वैसा एसेट जिसका यूज़ करने के पश्चात वो नष्ट हो जाए या उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए तो वो होता है वेस्टिंग एसेट्स। ट्रांजिबल एसेट जो होता है ये ट्रांजिबल होता है हमारा फिक्स एसेट्स, मतलब जो फिक्स एसेट्स होता है वो हमारे लिए क्या होता है, ट्रांजिबल एसेट होता है, जिसको हम कहते हैं मूर्त संपत्ति। और अगला होता है इंट्रांजिबल, वैसा एसेट जिसको केवल हम फील करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है गुडविल। क्योंकि बेसिकली इंट्रांजिबल एसेट जो होता है ये मेन हमारा बिजनेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बिजनेस यदि ग्रो कर पाता है तो बेसिकली वो गुडविल पे ही ग्रो कर पाता है। गुडविल जो होता है एक एसेट होता है जो इंट्रांजिबल होता है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसमें गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है एट्सेट्रा। तो ये आपका हुआ एसेट्स। एसेट के बाद अगला टॉपिक है जिसमें एक होता है लायबिलिटीज़ जो होता है बेसिकली लायबिलिटीज़ होता है जिस पे ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, जिस पे ऑनर का अधिकार नहीं होता है, वो एक प्रकार का लायबिलिटीज़ होता है। लायबिलिटीज़ जो होता है ये आपका 2 होता है, एक होता है फिक्स लायबिलिटीज़ और एक होता है करंट लायबिलिटीज़। तो फिक्स लायबिलिटीज़ होता है जिसका एग्जाम्पल होता है बैंक लोन, और करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल बहुत सारा होता है, जिसमें एक एग्जांपल है मोर्टगेज, जिसको हम कहते हैं बंधक, गिरवी। करंट में मोर्टगेज होता है, क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है एट्सेट्रा, बहुत सारा होता है। तो ये होता है लायबिलिटीज। गुड, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 लोग हैं, एक होता है हमारा एसेट्स और एक हमारे क्या होता है, लायबिलिटीज़। गुड, तो जैसे हम जानते हैं कि जो एसेट होता है इसको हम डेबिट कहते हैं और जो लायबिलिटीज होता है उसको कहते हैं क्रेडिट कहते हैं। तो इसी एसेट्स और लायबिलिटी के बीच हमारा एक वर्क होता है जिसको हम अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट को शॉर्ट में ABC कहते हैं और हिंदी में इसको खाता कहते हैं। गुड, अब अकाउंट क्या है सर? इट इज़ ए पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मतलब यह एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अकाउंट बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है?
कि वैसा अकाउंट जहाँ पे किसी पर्सन का नाम हो, जहाँ पे किसी पर्सन का नाम होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है इसका मतलब होता है वैसा अकाउंट जहाँ किसी पर का गुड्स हो, जहाँ किसी पर गुड्स हो वो रियल अकाउंट होता है। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? वैसा अकाउंट जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो वो अकाउंट मेरा क्या होता है? वो हमारा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। गुड। जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को अकाउंट में पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली तीनों का कॉन्सेप्ट कहता है कि पर्सनल अकाउंट जो होता है उसका मतलब होता है हमारा कि वैसा अकाउंट जहां किसी प्रकार का नेम हो, क्या हो सर वो नेम या ब्रांड कोई भी नाम हमारा कौन होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर होता है वो हर कंडीशन में डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो हर कंडीशन में क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स जहाँ पे किसी प्रकार गुड्स हो। तो गुड्स दो होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल होता है प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया वस्तु, वो नेचुरल होता है। और आर्टिफिशियल होता है कि कोई पर्सन उसको तैयार करता है तो वो होता है हमारा आर्टिफिशियल। तो वो होता है बेसिकली हमारा रियल अकाउंट। क्या होता है? तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी हमारा इन होता है वो हर कंडीशन में डेबिट होता है, और जो भी हमारा गोज होता है वो हर कंडीशन क्या होता है क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है वैसा अकाउंट जहाँ किसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो बेसिकली होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें ऑल डेबिट जो होता है, लॉसेज जो होता है वो होता है हमारा डेबिट, एंड ऑल लॉसेज जो होता है, ऑल प्रॉफिट जो होता है, जिसमें ऑल लॉसेज जो होता है वो डेबिट होता है, और ऑल प्रॉफिट क्या होता है हमारा क्रेडिट होता है। गेट गुड। जितना भी लॉसेज है वो हमारे लिए डेबिट है, और जितना भी प्रॉफिट हमारे लिए क्या है सर क्रेडिट है। गुड। गुड। तो ये हमारा था अकाउंट का टाइप्स। गुड। अब अकाउंट के टाइप के बाद हम आपको बताने वाले हैं, जो बता ही रहे थे, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद हमारा क्या है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के तहत, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के तहत आपको कुछ बेसिक कंटेंट जानना जरूरी है कि बेसिक टर्म्स कह सकते हैं उसको आप, बेसिक टर्म्स। इस बेसिक टर्म को जानने के पश्चात क्या होगा ना, आपका कुछ ना कुछ अकाउंट क्लियर हो पाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स क्या हो, क्या होता है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है बिजनेस। बिजनेस जो होता है जिसको हम कहते हैं व्यापार। तो आखिर व्यापार होता क्या है सर? व्यापार होता है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, यह एक मानवीय क्रिया है जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वर्क होता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया जो होता है वो हमारा बिजनेस कहलाता है। या कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो वर्क किया जाता है वो हमारा क्या होता है बिजनेस होता है। बेसिकली बिजनेस दो कैटेगरी में होता है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। क्या होता है सर? नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो होता है जहाँ से केवल प्रॉफिट हो, क्या हो सर, और नॉन इकोनॉमिक हो जहाँ पे सोशल वर्क हो, सोशल वर्क। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत हमारा जो बिजनेस होता है वो बेसिकली तीन होता है, पहला तो खुद का बिजनेस होता है, दूसरा हमारा प्रोफेशन होता है, और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है। ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। बिजनेस जान रहे हैं कि जहाँ प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन मतलब होता है कि आप स्पेशल नॉलेज लेके उससे अर्न कर रहे हैं पैसा, तो वो प्रोफेशन हो गया डॉक्टर, टीचर, वकील। एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर काम करता है और उससे वो अर्न करता है तो उसके लिए क्या होता है एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब रोजगार होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है एक ऐसा एक्टिविटी जो बिजनेस का ही पार्ट होता है, जिसके तहत समाज के डेवलपमेंट के लिए जो भी आप वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है कैपिटल। क्या होता है सर? कैपिटल जिसको हम कहते हैं पूंजी। ये पूंजी क्या है सर? पूंजी होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली आपका कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। गुड। अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, और एसेट के बारे में बता चुके हैं कि जिस पे ऑनर का अधिकार होता है वो एसेट होता है। अगला होता है लायबिलिटीज, जिस पे मालिक का अधिकार नहीं होता है उसके लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। अगला जो है हमारा पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, जिसका मतलब होता है लाभ। अगला जो होता है वो लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अर्न ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। लॉस होता है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम मिलता है तो आपके लिए क्या कहलाएगा? लॉस। अगला जो होता है जिसको हम बोलते हैं वाउचर, वाउचर मतलब होता है बिल। यदि किसी प्रकार का प्रोडक्ट लेते हैं या कोई गुड्स लेते हैं दुकान से तो जो बिल आपको मिलता है उस बिल को हम कहते हैं वाउचर। अगला होता है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट जो होता है इसको हम छूट कहते हैं। छूट मतलब होता है कि लेस देन कॉस्ट प्राइस, किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके कॉस्ट प्राइस में जो राशि कम मिलता है वो बेसिकली आपका डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस का फर्स्ट डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट बिजनेस का सेकेंड डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट के बाद अगला हमारा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज। ये बिजनेस का इंपॉर्टेंट टर्म्स है। परचेज मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को आप खरीदते हैं तो परचेज होता है। सेल्स मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को आप बेचते हैं तो वो सेल्स कहलाता है। गुड। अगला हमारा होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को आप परचेज करते हैं और जब उसको वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है। अगला होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को परचेज करने के बाद, सेल करने के बाद जब उसको रिटर्न करते हैं तो कहलाता है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम जो होता है वो होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। गुड। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगला होता है हमारा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को परचेज करने के पश्चात जब आप बिल पे करते हैं तो वो बिल्स पेबल कहलाता है, और इसी का उल्टा होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब होता है कि जब आप किसी कंडीशन से बिल पे करते हैं और जो बंदा उसको रिसीव करता है वो बिल रिसीवर करता है। बेसिकली अकाउंट के तहत और बेसिक टर्म्स हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है, एक होता है डेब्टर और एक होता है क्रेडिटर। क्योंकि पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में ये दो वर्ड है जिसको जानना जरूरी है। डेब्टर को कहते हैं देनदार और क्रेडिटर को कहते हैं लेनदार। तो डेब्टर मीन्स होता है कि मान लीजिए एक कस्टमर है, एक कस्टमर है और एक सेलर है। ठीक है, ये मेरा सेलर है और ये हमारा कस्टमर है। गुड। अब सेलर क्या करता है, कस्टमर क्या करता है? इससे कुछ गुड्स परचेज करता है, परचेज करता है। परचेज करने के पश्चात कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह बिल पे करे, वह बिल क्या करे? पे करे। तो जब बिल पे करता है तो उस कंडीशन में, जब तक वह बिल पे नहीं कर रहा है वो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? डेटर। क्या कहलाएगा? क्योंकि वह कस्टमर जिसको बिल पे करना होता है वो हर कंडीशन में आपका डेटर कहलाता है, और वह मेंबर, वह पर्सन जिसको रिसीव करना होता है पैसा वो एक तरह से क्रेडिटर कहलाता है। मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि कस्टमर हमारा डेटर कहलाता है और सेलर हमारा क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप माइंड रखते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। गुड। इसके साथ ही साथ आपका कुछ और बेसिक टर्म्स है
जो देख लीजिए, इसको हम बताएंगे सारा पॉइंट, जिसमें आपका पॉइंट है, जिसमें आपका बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, कैपिटल है, ड्राइंग है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, रिसीप्ट्स है, एक्सपेंडिचर है, परचेज है, परचेज टन है, सेल्स है, सेल्स टन है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल जिसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, ट्रेड पेबल है, वाउचर है, डिस्काउंट है, डेबिट है, क्रेडिट है, प्रोप्राइटर है, डिप्रिसिएशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बैड डेब्ट्स है, इंसॉल्वेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्यूरेट इनकम है, अर्न इनकम है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन डाइंग है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जिसको जानना इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि इस बेसिक टर्म को यदि आप माइंड में सेव रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और इसमें हम कुछ बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए।